हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर क्रू पसावड़ा एंड अवर टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू आइडेंटिफिकेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन टू पर्सनल आइडेंटिटी। सो लेट अस सी डेफिनेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी इंडिविजुअलिटी का डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय करना है ऑन स्पेसिफिक फिजिकल कैरेक्टर्स, उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है जो स्पेसिफिक है उसके ऊपर से एक जो इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन जो है उसका डिटर्मिनेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन इज डन इन अ लिविंग पर्सन और डेड। आइडेंटिफिकेशन दोनों में बहुत ही नेसेसरी है, चाहे वो लिविंग पर्सन हो या तो फिर डेड पर्सन हो, बाय रिकॉग्नाइजिंग सर्टेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट आर यूनिक टू दैट पर्सन, उसको रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफिकेशन जो है वो करना होता है। टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे एब्सोल्यूट फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन यानी कि कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और पता चल जाता है कि हाँ दिस इज दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। ऑन द सेकेंड वन इज पार्शियल आइडेंटिफिकेशन या तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन, एसर्टेनमेंट ऑफ ओनली सम फैक्ट्स अबाउट द आइडेंटिटी वाइल द अदर्स रिमेनिंग अननोन। सो कुछ ऐसे फैक्टर्स है यानी कि रेस, सेक्स, एज, स्टेचर, रिलीजियन, ऐसी कुछ चीजों का पता यहाँ पे चल जाता है, बट कुछ जो चीजें है वो रिमेन अननोन यानी कि वो अननोन रहती है, उसका पता नहीं चलता है, इट इज कॉल्ड एज पार्शियल आइडेंटिफिकेशन। मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस इन लिविंग पर्सन, सिविल केसेस, इन इम्पर्सोनाइजेशन और फॉल्स पर्सोनाइजेशन केसेस इन रिलेशन विद इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही है, वोटिंग राइट्स, पासपोर्ट, डिस्प्यूटेड आइडेंटिटी इन केस ऑफ डाइवोर्स और नलिटी ऑफ मैरिज, डिस्प्यूटेड सेक्स, मिसिंग पर्सन, लॉस्ट मेमोरी पेशेंट्स। सो ये जो सब सिविल केसेस है उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्रिमिनल केसेस, द क्रिमिनल ऑफेंसेस लाइक असॉल्ट, मर्डर, डकैती, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्सेट्रा, एब्सकॉन्डिंग सोल्जर्स, इंटरचेंज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इन हॉस्पिटल, कभी कभी हमें ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं दैट देयर विल बी एन एक्सचेंज इंटरचेंज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इन हॉस्पिटल, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रिमिनल अबॉर्शन, टू फिक्स अप द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द मेजोरिटी, इम्पर्सोनाइजेशन इन क्रिमिनल केसेस। इन इंडिया पोलिस हैव टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। सो इंडिया में जो है पोलिस किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करता है। हाउ एवर डॉक्टर में प्रोवाइड हेल्प बाई सप्लाइंग सम फैक्ट्स और डाटा टू पोलिस। डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पोलिस को असिस्ट करना है, उसको कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स या तो फिर डाटा सप्लाई करके उसको हेल्प करना है, असिस्ट करना है। ड्यूरिंग द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन, a doctor should record at least two identification marks and the mark should be described in all certificate issued by him. So yahan pe medico legal examination ke dauran do identification mark hai wo doctor ko record karne hote hain aur kisi bhi certificate agar wo issue karta hai, koi bhi certificate agar wo issue karta hai to usme ye marks jo hai wo mention karne hote hain for the identification purpose. Corpus delicti, सो ये जो है वो एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है दैट एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश कॉर्पस डेलिक्टी इन होमिसाइड केसेस। सो द टर्म कॉर्पस डेलिक्टी मींस द बॉडी ऑफ ऑफेंस, द बॉडी ऑफ क्राइम और द एसेंस ऑफ क्राइम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। सो उसका जो मीनिंग है द बॉडी ऑफ ऑफेंस, द बॉडी ऑफ क्राइम और द एसेंस ऑफ क्राइम ऐसा होता है। डाटा फॉर आइडेंटिफिकेशन, सो देर आर सर्टेन डाटा लाइक रिलीजियन, रेस, सेक्स, एज,
stature, dactylography, footprints, chelioscopy, tattoo marks, scars, deformities, anthropometry, teeth, DNA typing, blood group and HLA typing. So these are the data. हर एक डेटा को हम अलग से एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जो सभी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दीज आर द मेन डाटास. देर आर सर्टेन मिसेलेनियस डाटास लाइक कॉम्प्लेक्शन एंड फीचर्स, हेयर, पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, पॉकेट कंटेंट्स, ज्वेलरी एटसेट्रा, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, स्पीच एंड वॉइस, ऑक्यूपेशन मार्क्स, गेट, मैनर एंड हैबिट, मेंटल पावर, मेमोरी एंड एजुकेशन, ईयर मॉर्फोलॉजी, फ्रंटल साइनस, एक्सरे एटसेट्रा. सो दीज आर द मिसेलेनियस डाटा. मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन डेड पर्सन. सो आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स. सो उसकी जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेड पर्सन में भी लाइक हु डाइड इन मास डिजास्टर्स, एयर क्रैश एक्सीडेंट, अगर मास डिजास्टर हुआ है, एयर क्रैश एक्सीडेंट्स हुए हैं, फायर विक्टिम्स, अगर कहीं पे आग लगी है और बहुत सारे लोग जल गए हैं, एक्सह्यूमेशन, एक्सप्लोजन एंड बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, म्यूटिलेटेड एंड डीकम्पोज्ड बॉडीज एंड इन स्केलेटन रिमेल्स. सो सिर्फ स्केलेटन मिलता है उसमें भी, या तो फिर म्यूटिलेटेड पार्ट्स या तो फिर डीकम्पोज्ड बॉडीज मिलता है उसमें भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share maximum this video to your friends. Thank you.